बाड़मेर शहर के सबसे पोश इलाकों में सुमार ऑफिसर्स कॉलोनी पिछले लंबे समय से अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। कहने को तो ये ऑफिसर्स कॉलोनी है जहां जिले के आला सरकारी अधिकारी और कर्मचारी रहते हैं, लेकिन यहां की टूटी सड़कें, नालियां और जगह जगह लगे गंदगी के अंबार यहां की दुर्दशा को बयां करते नजर आ रहे हैं। कॉलोनी के हालात आज किसी कच्ची बस्ती से भी बदतर नजर आते हैं। एक रिपोर्ट। बाड़मेर शहर की पोश कॉलोनियों में से एक और शहर की मास्टर प्लान के मुताबिक बनी एकमात्र सरकारी कॉलोनी ऑफिसर्स कॉलोनी। ऑफिसर्स कॉलोनी का हालात इन दिनों नासाज हैं। कॉलोनी में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल है। चहुंओर गंदगी के अंबार लगे हैं, जबकि अधिकारी सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठीक होने के दावे करते हैं। वहीं यहाँ सीवरेज की गंदगी से लोग बरसों से परेशान हैं। बरसात के समय उनकी समस्या और अधिक बढ़ जाती है। यहाँ के लोगों का कहना है कि हर समय गंदगी फैली रहती है। गंदगी से यहाँ पर हर समय बदबू उठती रहती है, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों का जीवन नरक बना हुआ है। आरोप है कि अधिकारियों को शिकायत भी की गई कई मरतबा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। गंदगी से बीमारियाँ फैलने का खतरा हर वक्त बना रहता है। सबसे अधिक दिक्कत बरसात के दिनों में आती है। बारिश में पानी भरने से गंदगी हर तरफ फैल जाती है, जिससे मच्छर पनपते हैं। अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देते, जिससे लोगों को गंदगी में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। बोर्ड बने लगभग एक साल होने वाला है। ये आप देख रहे हो, इस रोड के ऊपर ऑफिसर कॉलोनी की रोड है, जहाँ कलेक्टर के बंगले, एसडीएम के बंगले, एडीएम के बंगले के पीछे ही वाली रोड है, मेन रोड जो कहा जाती है। इस रोड पर रेत की टीले आपके पीछे पड़े हैं सर, रोड गड्ढे से टूटी हुई पड़ी है। और सर ये रोड बने हुए कितने साल हो गए पता, इस रोड में अभी तक विकास नहीं। सीवरेज के आप देख सकते हो, इसके अंदर आपके सीवरेज का ढक्कन मेन रोड पर खुला हुआ, पानी सीवरेज के अंदर निकल रहा है। और कई रोडों का अता पता नहीं है, पता नहीं एक साल हो गया विकास कार्य ठप पड़ा। वहीं जिले के आला अधिकारियों और कर्मचारियों के निवास वाली यह कॉलोनी सड़कों के हालातों पर भी आंसू बहाती नजर आती है। इलाके में एक आध सड़क को छोड़कर कोई भी सड़क सही नहीं है। टूटी सड़कों के चलते जहां लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, वहीं जगह जगह बने कचरा पॉइंट बीमारियों को न्योता देते नजर आते हैं। साथ ही जगह जगह बिखरा कचरा शहर की सरकार की सफाई व्यवस्था की पोल खोलता नजर आता है। जिस कॉलोनी में जिले के आला अधिकारियों के परिवार रहते हैं, वहां आलम ऐसा है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहर की अन्य कॉलोनियों के हाल कैसे होंगे।